हम लोग सौभाग्यशाली हैं, आज भगवान राम का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। स्वयं गुरुदेव महाराज जी आज आप सबके बीच में हैं, तो आप उनसे कुछ आशीर्वचन सुनना चाहेंगे? यस नो बोलो। रामचंद्र भगवान बागेश्वर धाम की, भक्ति वेदांत परम पूज्य श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की, श्री युगल सरकार की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, यहाँ बैठे बड़ा बिजनेस के सब पागलों की, हर 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 हर। साधु जी कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, रहना ही पड़ेगा। हम आप सब ने बहुत इंतज़ार किया, हम चूँकि एक कार्य में व्यस्त थे तो बड़ी देरी हो गई। यहाँ आकर आप सबकी जो ऊर्जा है, जो प्रसन्नता है, जो चेहरे की मुस्कुराहट है, जो नेत्रों की उत्सुकता है, उससे पता लग रहा है भारत का हिंदू जाग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आपको पता है 23 और 24 को क्या है? हमारा तो दर्शन होगा, तुम्हारा भी होगा, और 30,000 बिजनेसमैनों का भी तो दर्शन होगा। तो कहां पर है बताओ? इंदिरा गांधी स्टेडियम में है ना? आप चल रहे हो? हम भी हनुमान जी का नाम लेके उड़ के आएंगे। आप सब बड़े भाग्यशाली हो। जीवन में एक बात याद रखना, बेटा और बेटी वो नहीं है जिसे बाप के नाम से जाना जाए, या शिष्य वो नहीं है जिसे गुरु के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी वो महान है उनके नाम से उनके माता पिता को जाना जाए। आप लोग ऐसे बनो, आगे बढ़ो। जैसे हमसे कई लोग अब मिलते हैं तो कहते हैं विवेक बिंद्रा जी आपके बहुत प्रिय हैं, तो हमें बताने में बहुत गौरव होता है। यस, इतना बड़ा बनो। अभी हम जा रहे थे तो बोले अरे ये वही है जो विवेक बिंद्रा जी के साथ गुरु जी थे, ये बागेश्वर बाबा हैं। तो हमको ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जिसके नाम से गुरु को जाना जाए, ऐसे पुत्र पुत्री होना है हम आपको कि हमारे नाम से आपके माता पिता किसी गली से निकलें, लोग कहें ये अमुक बेटा का बाप है, ये अमुक व्यक्ति का पिता जा रहा है। ऐसे महान बनने के लिए हनुमान जी की शरण पकड़ो, प्रसन्न रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। लेकिन एक दिक्कत भी है, जय, एक दिक्कत भी है, पूछो क्या? क्या आदमी गुरु की तो मानता नहीं पर गधा की मान लेता है। एक बार एक चेला है हमारा चंगीलाल, हमारे पास आया, हमको और चंगीलाल सुनाओ। बोला गुरु जी और सब ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है, प्रणाम करने आए। हमका खुश रहो, अब ये नहीं बताएंगे कि वो दिल्ली का था। चंगीलाल है हमारा चेला, दिल्ली का था, ये नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि यहाँ बड़ा बिजनेस में काम करता है, क्या नहीं, ये भी हम नहीं बताएंगे। वो आया गुरु पूर्णिमा पर, गुरु जी प्रणाम, हमके चेला खुश रहो, हमका चेले गुरु पूर्णिमा है, दिल्ली दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, कल चले जाना? नहीं गुरु जी, बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस में जाना पड़ेगा, नहीं तो बॉस हमारे डांटेंगे, हमें जाना है। बहुत रोका, नहीं माना, 3-4 लोग उनके साथ, 2 लोग ये भी थे, नहीं माना, चला गया। बाहर निकला तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये मित्र बोले बिल्ली रास्ता काट गई, गुरु जी ने रोका था, गुरु जी अपने सिद्ध हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, बात मान लेनी चाहिए। दूसरा बोले, ये बोले कुछ नहीं होता, चलो। आगे बढ़ी तो बीच रास्ते में हमारे गड़ा से 5 किलोमीटर दूर गंज में गधा रो रहा था, गधा। तो ये बोले भाई आज तक हमने गधा रोते नहीं देखा, पहले बिल्ली मिली अब गधा रोता मिला, कहीं यार लास्ट दिन ना हो जाए, वापस चलो। वापस आए, हमने कहा क्या हुआ, क्यों लौट आए? चंगीलाल बोला गुरुदेव गधा रो रहा था, हमने कहा ठटरी के बरे,
न कटा, गधा की मान ली, हम रोकते रहे हमारी मानी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे भी लोग हैं, अब ये नहीं बताएंगे कि वो यही हैं। तो कुछ लोग गधा की मान लेते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। तो यही हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि आप लोग माता पिता गुरु को तो मानते पर उनकी नहीं मानते। मानो, इतना मत बनो कि आपको दूसरों के साथ सेल्फी लेनी पड़े, इतनी मेहनत करो कि लोग आपके साथ सेल्फी लें। ऐसे जियो लोग आपसे कहें सर एक फोटो हो जाए, और आप जहां खड़े हो वहीं बड़े हो, आप जहां खड़े हो वहीं बड़े हो, और बड़े आप तभी बनेंगे जब किसी, देखो भाई बरसात आती है तो कोई क्या पानी रोक सकता है? जवाब दीजिए। लेकिन काम बंद भी तो नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? बोलिए, छाता लिया जाता कि नहीं? बारिश होने दो, अपना छाता लेके निकल जाओ, काम भी हो जाएगा, बारिश भी होती रहेगी। वैसे इस जिंदगी में संघर्ष की बारिश होती रहती है, ये संघर्ष संकट देख करके डर करके नहीं भाग जाना चाहिए, सदगुरु माता पिता की छत्र छाया लेकर निकल जाना चाहिए। परमात्मा की छत्र छाया, छत्र छाया जानते हो क्या कहलाता है बताओ? हाँ, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब ऐसा करो आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद किसे कहते हैं? हम लोग राम जी को तो मानते हैं पर राम जी की नहीं मानते। बहुत से लोग यहाँ हनुमान जी को मानते, कौन कौन हनुमान जी को मानता है? वाह, हाथ नीचे रख लो, काम आएगा। अच्छा, हनुमान जी की, हनुमान जी को मानते, हनुमान जी की मानते, विचार किया कभी? थोड़ी थोड़ी, अब ज्यादा ज्यादा कब? कब से? तो हनुमान जी की क्या मानना है? हनुमान जी के अंदर 9 गुण बहुत अच्छे, कुछ गुण आप अपनाओ। एक विनम्रता, बहुत बड़ा बनने के बाद वो सरल बहुत है। राम जी उनसे कहते कि आप लंका जाकर खबर ले आए, तो पता है हनुमान जी क्या कहते हैं? ये सब आपका प्रताप है, ये बड़े बने रहने का तरीका है। कुछ भी बड़ी उपलब्धि मिले, फूले नहीं समाते हम लोग, फोटो तुरंत डलवाते हैं, तुरंत खिंचवाते हैं, नहीं। हमें ये भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी उस जीत का श्रेय अपने माता पिता और गुरुदेव को देना चाहिए। तो पहली विनम्रता, दूसरी हनुमान जी से वाक्य में निपुणता, बोलने में बहुत निपुण है हनुमान जी। जब भी मिलते हैं राम जी से स्वामी, राम जी को स्वामी मानकर विनम्र से बोलते हैं, रामर को समझाने के लिए उंगली उठाते हैं, ये बोलने की कला। तीसरा गुण हनुमान जी का और सीख लीजिए, क्या? तीसरा गुण है काम में लगनता। हनुमान जी जब लंका गए तो बहुत से विरोध आए, सुरसा मिली, एक जल में रहने वाली राक्षसी मिली, पर सबसे हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिन मोही कहाँ। इसी प्रकार जब आप काम करोगे तो आपके काम में भी व्हाट्सअप रोड़ा बनेगा, फेसबुक रोड़ा बनेगी। अब आजकल नया एडिक्शन वो चल गया है, रील, क्या बोलेंगे उसको? नहीं नहीं, एडिक्शन, इंस्टाग्राम। आदत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, आप समझ जाओ, अपने हिसाब से समझ जाओ, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत। तो हनुमान जी की जिंदगी में बहुत रोड़ा आए, पर क्या हनुमान जी रुके? लंका गए, जानकी जी की खबर लाए। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी रोड़ा बहुत है, रील, इंस्टाग्राम, चिरैया जिसमें उड़ती है, चिरैया बनी रही, ट्विटर, ओहो उसका भी क्या कहना, और यूट्यूब, और रील का तो पूछो ही मत। बहुत से बच्चे यहाँ ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं हम, जो बाथरूमों में भी मोबाइल ले जाते हैं। हाँ, कुछ दिनों बाद वो खुलने वाली हैं हॉस्पिटल, मीडिया छुड़वाने के, व्हाट्सअप 30 दिन में छुड़वाएं। हम आपको 10 साल का भविष्य बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपकी जिंदगी में भी रोड़ा बहुत आएंगे, मैं सेटिंग, व्हाट्सअप, चैटिंग, न जाने क्या क्या बन करके, लेकिन हनुमान जी जैसे नहीं रुके, जब तक जानकी जी की खबर नहीं ले आए, वैसे ही आप लोग मत रुकना जब तक आप अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित ना कर दो। और हमारे प्रिय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आपकी पूरी टीम,
बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने लोग यहाँ खड़े सबको खूब आशीर्वाद, सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गए। और कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में खड़े कुछ बच्चे तो हाँ हम आओ बता दें सारे यारो पोल खोलिए, हाँ इसलिए ऐसे ही रहो, फिर कभी आएंगे तो यहाँ बैठकर एक दिन दरबार लगाएंगे। अभी हमको बहुत ज़्यादा दूर जाना भी है, बढ़िया मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और प्रभु की कृपा भक्ति भजन नित्य पांच पाठ हनुमान चालीसा के करो। जय श्री राम, सबको खूब खूब आशीर्वाद, जय सियाराम। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं महाराज श्री इंदिरा गांधी स्टेडियम में जैसे आज हनुमान जी के गुण बताए जो अपने जीवन में उतारने हैं, इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने आ रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा अगर यही टॉपिक अब हनुमान जी के 9 गुण बता दें तो सारे धन्य हो जाएंगे जो अपने जीवन में उतारे। बागेश्वर धाम महाराज की जय।